नमस्ते दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हम दो और हमारे दो। छोटा परिवार खुशहाल परिवार। बच्चों के आने से हमारा परिवार कंप्लीट परिवार कहा जाता है और हमारा घर होम से स्विच होम में बदल जाता है। बच्चे हमारी जिंदगी में खुशहाली भर देते हैं। तो ऐसे हेल्दी बच्चों के जन्म के लिए जरूरी होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में आई हुई 11 सिस्टम में से लास्ट सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आगे के 10 सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे जेनिटल सिस्टम भी कहा जाता है, ये सिस्टम एक्सटर्नल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन से बनी हुई है। जब मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम साथ में मिलकर काम करती है, तब एक बच्चे का जन्म होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर में मुख्य 4 काम करती है। पहला, मेल और फीमेल में एग और स्पर्म को बनाती है। दूसरा, ये बने हुए एग और स्पर्म को जीवित रखने का और उसे ट्रांसफर करने का काम करती है। तीसरा, फर्टाइल एग जो होता है उसको नर्चर करके उसमें से बच्चे को जन्म देने का काम करती है। और चौथा, हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन्स बनाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए उसमें आए हुए ऑर्गन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसे एसेसरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसे टेस्टिस कहा जाता है, और फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ओवरीज। आइए देखते हैं कि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेन फंक्शन क्या है। और ये टेस्टीज और ओवरीज के अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स आए हुए हैं, ये सारे ऑर्गन्स को सेकेंडरी ऑर्गन्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये सेकेंडरी ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम करते हैं। ये हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन से बनी हुई है। आइए देखते हैं कि ये कौन से ऑर्गन हैं और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम करते हैं। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, उसका 2 मेन फंक्शन है। पहला, स्पर्म को बॉडी के अंदर आने देने का, और दूसरा, बॉडी के अंदर के इंटरनल जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसको बैक्टीरिया और वायरस जैसे इन्फेक्शन से बचाने। ये फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेन फंक्शंस है फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स बनाना, एग को प्रोड्यूस करना, उसको रिलीज करना,
फर्टाइल एग को नर्चर करना और बेबी को जन्म देना। इन शॉर्ट, फीमेल के अंदर आई हुई रिप्रोडक्टिव सिस्टम चार डिफरेंट फेज में काम करती है, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। क्या आपको पता है कि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स में बनते हैं। ये हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, ब्लड थ्रू वो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और उसे एक सिग्नल देते हैं कि वॉट दे हैव टू डू। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स कॉम्प्लिकेटेड वे में काम करते हैं। आइए देखते हैं कि जब ये हॉर्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन से बनी है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द मेल्स एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस। मतलब यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन एक्टिविटीज प्यूबर्टी, इरेक्शन एंड इजेकुलेशन है। जब ये हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं तब आइए जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इतनी सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बातें करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अगर हेल्दी बेबी को जन्म देना है तो एक मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंस है, जैसे कि एज, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, जेनेटिक्स, यूज़ ऑफ मेडिसिंस एंड एक्सपोजर टू केमिकल इन द एनवायरनमेंट। तो चलिए जानते हैं कि हाउ कैन वी कीप अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन गुड शेप। एपिसोड से हम हमारे शरीर में आई हुई अलग अलग सिस्टम के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरी कोशिश आपको ये सारी सिस्टम के बारे में एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक नॉलेज देने की थी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी में डाइट का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।